नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 मुंबई जोन के कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी मुंबई से एनटीपीसी सीबीटी1 में कितना कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आरआरबी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे आरआरबी मुंबई पे, इस बार जो टोटल वैकेंसी आया था, इस बार टोटल वैकेंसी 3665 है। आपका आरआरबी मुंबई से टोटल जो एनटीपीसी का जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी आपका 3665 है। अगर हम बात करें यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी जो वैलिड एप्लीकेशन है, जो आपका आरआरबी चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट में एक पीडीएफ अपलोड किया गया था आरआरबी की तरफ से, जहाँ पे दोस्तों आरआरबी मुंबई से जो वैलिड एप्लीकेशन है वो बताया गया था कि आपका 1,44,836 यहाँ पे दोस्तों जो है वैलिड एप्लीकेशन है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जो टोटल आपका अटेंडेंस है, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक चीज़, जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस आरआरबी की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों जो भी न्यूज़ में आर्टिकल आया था जहाँ पे दोस्तों बताया था कुछ कुछ जोन में आपका अटेंडेंस जो है 45% है, कहीं पे भी 50% है, कहीं पे 55% है। अगर हम यहाँ पे दोस्तों मान के चले कि आपका टोटल अटेंडेंस आरआरबी मुंबई जोन से 50% है, तो आपका जो भी कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है वो आपका 572,418 कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। यानी कि दोस्तों टोटल 572,418 कैंडिडेट ने आरआरबी मुंबई जोन से एग्ज़ाम दिया है। इसके अंदर दोस्तों आपका एससी एसटी ओबीसी जनरल सब कुछ इंक्लूडिंग है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट क्वालिफाइड होगा CBT 2 के लिए, CBT 1 एग्ज़ाम में, जो भी आपका वैकेंसी यानी कि 3665 का 20 गुना यानी कि दोस्तों आपका 73,300 कैंडिडेट ने यहाँ पे दोस्तों CBT 2 के लिए सिलेक्ट होंगे, जो आपका CBT 2 का एग्ज़ाम देगा। टोटल आपका 73,300 कैंडिडेट ने CBT 2 के एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे कंपटीशन की, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें CBT 2 के लिए जो कंपटीशन है, यानी कि दोस्तों 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो भी वैकेंसी है। और यहाँ पे दोस्तों टोटल जो वैलिड एप्लीकेशन आप यहाँ पे जो टोटल जो कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं वो आपका 572,418 कैंडिडेट ने। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें एक सीट के लिए CBT 2 एग्जाम के लिए जो कंपटीशन है दोस्तों, यहाँ पे केवल 7.8 है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप मान के चल सकते हो CBT 2 के लिए दोस्तों यहाँ पे 8 कैंडिडेट ने फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। यानी कि अगर आपको CBT 2 का एग्जाम देना है तो आपको 8 कैंडिडेट के साथ यहाँ पे कंपटीशन करना है। आप देख सकते हैं कंपटीशन यहाँ पे बहुत ही कम है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, तो प्रीवियस ईयर पर आप देख सकते हैं जो कट ऑफ गया था, कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। 2016 जो एग्ज़ाम हुआ था NTPC का, जहाँ पे दोस्तों वैकेंसी भी बहुत कम था, और जिसके चलते दोस्तों आपका जो जनरल OBC SC ST का जो काट ऑफ गया था वो काफ़ी हाई गया था। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जनरल का जो काट ऑफ गया था 77.49 आपका काट ऑफ गया था 2016 में। वही दोस्तों अगर हम बात करें OBC की, तो यहाँ पे OBC की 70.21 काट ऑफ गया था, SC का 63.6 और यहाँ पे दोस्तों ST का 54.95 यहाँ पे काट ऑफ गया था 2016 में। दोस्तों अगर हम बात करें इस बार आरआरबी NTPC CBT 1 मुंबई जोन से काट ऑफ की, अगर आपका आंसर की आने के बाद जनरल कैंडिडेट के लिए उससे अगर हम बात करें, अगर आपका मार्क्स 64 से लेकर 68 आ रहा है, 64 से लेकर 68 के बीच आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अगर आपका मार्क्स 64 से लेकर 68 के बीच में नहीं भी आ रहा है, उससे भी थोड़ा कम आ रहा है, 60 भी आ रहा है या तो फिर 58 आ रहा है, तब भी दोस्तों आप सेफ जोन में हो, क्योंकि नॉर्मलाइज होने के बाद जो है आपका मार्क्स जो है 6 से लेकर 10 मार्क्स आपका बढ़ सकता है। तो आपका जो नॉर्मलाइज होने के बाद जो मार्क्स आएगा वो लगभग आपका 64 से लेकर 68 के बीच में आ जाएगा, और अब मैक्सिमम जो काट ऑफ जा सकता है जनरल का आरआरबी मुंबई जोन से, वो आपका 64 से लेकर 68 के बीच में जा सकता है। क्योंकि दोस्तों इस बार जो है कंपटीशन काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू 2016, जहाँ पे दोस्तों एक सीट के लिए 20 कैंडिडेट ने फाइट करा 2016 में। अगर दोस्तों बात करें इस साल की, तो यहाँ पे आरआरबी मुंबई जोन से केवल 8 कैंडिडेट ने फाइट कर रहे हैं CBT 2 एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पे आरआरबी मुंबई जोन से कंपटीशन देखा जाए तो पिछले साल से काफ़ी कम है। तो यहाँ इस बार जो काट ऑफ जाएगा, काट ऑफ आपका 64 से लेकर 68 के बीच में जाने का मैक्सिमम चांसेस है। फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो काट ऑफ है आपका एक्सपेक्टेड काट ऑफ है, आप प्लस माइनस 2 यहाँ पे मान के चल सकते हो कि आगे और पीछे 2 मार्क्स हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें EWS की, दोस्तों EWS का काट ऑफ जो है 55 से लेकर 58 जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आपका आरआरबी मुंबई जोन से जो वैलिड एप्लीकेशन है, जो आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया गया था, वो वैलिड एप्लीकेशन सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू अदर
कैटेगरी यानी कि एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी से अगर हम कंपेयर करें तो ईडब्ल्यूएस का जो एप्लीकेशन था वैलिड एप्लीकेशन वो काफ़ी कम था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 55 से लेकर 58 जाने का मैक्सिमम चांसेस है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे ओबीसी का, तो ओबीसी का जो काट है वो 58 से लेकर 60 के बीच में जाने का मैक्सिमम चांसेस है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, आपका मार्क्स अगर 50 प्लस आ रहा है एज ए रॉ मार्क्स, तो फिर भी दोस्तों आप सेफ जोन में हो। नॉर्मलाइज होने के बाद जो है आपका 5 से लेकर 10 मार्क्स आपका इंक्रीज हो सकता है एज़ कम्पेयर टू आपका शिफ्ट। आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दिए उस शिफ्ट अगर हार्ड शिफ्ट होगा तो आपका मार्क्स जो है 5 से लेकर 10 मार्क्स बढ़ सकता है। अगर आपका 50 प्लस आ रहा है या तो फिर 50 मार्क्स आ रहा है रॉ मार्क्स, तब भी आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी के लिए दोस्तों यहाँ पे मार्क काट ऑफ जो जा सकता है 50 से लेकर 53 के बीच काट ऑफ जा सकता है। वही दोस्तों अगर हम बात करें एसटी के लिए, तो एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पे 45 से लेकर 47 के बीच आपका जो है काट ऑफ जा सकता है। ये जो दोस्तों आपका काट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड काट ऑफ है, प्लस माइनस 2 हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपका मार्क्स अगर रॉ मार्क्स इसके आसपास आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हो अगर आप आरआरबी मुंबई जोन से हो। तो दोस्तों ये आपका आरआरबी मुंबई जोन का इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।